सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं हमारा ये स्वीट कॉर्न रेडी हो चुका है और इसमें अब हम इसको हमने उबाल लिया था 10 से 15 मिनट, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था वीडियो में। अभी इससे पहले वीडियो में दिखाया था कि इसको उबाल लिया था हमने, और इसको उबाल करके पहले तो हमने फ्रेश पानी से 4 बार धो लिया था इसको, 3 से 4 बार धोना है स्वीट कॉर्न को। उसके बाद पानी में रख करके इसको अच्छे से उबाल लेना है और उसमें सॉल्ट डाल देना है सो दैट इसके जितने भी टॉक्सिन्स है वो सब ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये उबल जाए। और उसके बाद हमने इसको छान करके स्वीट कॉर्न को रख लिया है, और छानने के बाद अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये लेमन। इसमें लेमन ऐड कर देंगे हम लोग, इसमें लेमन ऐड करने के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर। सो अब हम इसमें से ब्लैक पेपर पाउडर निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे। एंड इसमें ऐड कर देंगे हम ब्लैक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। तो हमने इसमें ले लिया है हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, और इसमें अब हम स्प्रिंकल कर देंगे अपना ब्लैक सॉल्ट को, और अभी इसमें हम हल्का सा नमक मिला देंगे नॉर्मल सॉल्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को, अपना जितना भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ब्लैक पेपर सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, ये हमारी मिक्स हो चुकी है इसके अंदर सारा कुछ। और सो फ्रेंड्स, हमने ये गार्निश कर लिया है और ये देख रहे हैं हमारा रेडी हो गया है ब्रंच विद टी। और ये हमने स्वीट कॉर्न कर लिए हैं, इसमें रेडी कर लिया है, उसको हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं कैसा बना है। इट्स टेस्टी, डिलीशियस है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए अपने घर में ब्रंच टाइम पे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं स्वीट कॉर्न विद टी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।